अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग क्विक रेसिपी विद हिना सैयद। सो आज की मेरी रेसिपी जो है वो आपको पता है कि बकरीद आ रही है, उससे रिलेटेड है। तो आज मैं आपको बहुत क्विक जो है वो मीट की एक रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी क्योंकि उसका अपना ओरिजिनल टेस्ट होगा। सबसे पहले मैंने जो है ऑलिव ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। उसके अंदर मैंने जो है वो 5 जवे लहसुन के जो है वो मैंने अच्छे से चॉप करने के बाद इसको भून लिया हल्का सा। देन मैंने टोमेटो काटे 2 अदद टमाटर, और प्याज लूँगी मैं 3 अदद तकरीबन, और उन्हें भी मैं इसी तरीके से स्लाइस में जो है वो कट कर लूँगी जैसे मैं टमाटर काट रही हूँ। सो ये मैं टमाटर लिए हैं, देन मैंने ये प्याज दिए हैं 3 से 4 अदद आप ले सकते हैं। ये थोड़ी नॉर्मल साइज़ की थी तो मैंने 4 ले ली थी, अदरवाइज़ अगर बड़ी हैं आपके पास तो 3 भी काफ़ी हैं। सो उनको भी इस तरीके से जो है आप थोड़ा सा थिक स्लाइस में जो है वो कट कर लेंगे। और ये प्याज कट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने लहसुन भुना था मैं उसके नीचे एक तह लगा दूंगी टमाटरों की, उसके ऊपर मैं लगा दूंगी प्याज की तह, और उसके ऊपर मैं अपना मीट डाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने मीट डाल दिया है, इसके ऊपर मैंने सॉल्ट डाला, और सॉल्ट डालने के बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला। ब्लैक पेपर डालने के बाद मैं दोबारा से इस पर प्याज रखूँगी, और मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। ये देखें, मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची डाली है, पेपरिका पाउडर डालूँगी मैं, और जो भी आपको मसाले पसंद हैं आप वो डाल सकते हैं इसमें। लेकिन ये ख्याल रहे कि इसमें नॉर्मल सा मसाला होगा इसमें, क्योंकि इसमें जो मीट का अपना टेस्ट होना चाहिए। ये मैंने प्याज डाली, इस पर ज़रा सा ऑलिव ऑयल डाला, और इसे जो है मैं प्रेशर कुकर में छोड़ दूंगी तकरीबन 40 मिनट के लिए। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला आपके सामने, और ये जो है वो स्टीम में ही बनेगा। ये देखें, ये बन चुका है ऑलरेडी जो है वो। टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ता है, प्याज भी छोड़ता है, तो ये देखिए बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो मैंने इसे कर दिया है डिश आउट, बहुत क्विक बनने वाली है। मैक्सिमम ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपकी कटिंग में लगेंगे, और टोटल 5 मिनट कटिंग में लगने के बाद जो है वो 40 मिनट जो है ये दम पर रहेगा, और प्रेशर कुकर में जो है वो नॉर्मल हीट में जो है वो कुक होगा। देन ये रेडी हो चुका है। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कैसे बने। सो मेरी आज की ये पहली रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है जी बकरीद की से रिलेटेड। इसके बाद मैं कंटिन्यू जो है वो इसी से रिलेटेड जो है वो आपके साथ वीडियोज़ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको अच्छी लगी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।